नमस्कारम, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, भावनात्मक रूप से अपने आप को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है, इमोशनली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमारे अंदर बहुत भावनात्मक उद्वेग उठने लगते हैं, भावनात्मक रूप से हम असंतुलित महसूस करते हैं, बहुत भावनाएं उठने लगती हैं मन के अंदर, अलग अलग प्रकार के विचार आने लगते हैं। तो भावनात्मक रूप से अपने आप को संतुलित बैलेंस रखने के लिए एक 2 से 3 मिनट का छोटा सा ध्यान का अभ्यास मैं आपको बताने वाला हूँ, जो तुरंत आपको भावनात्मक रूप से बैलेंस करने का, संतुलित करने का काम करेगा। इस अभ्यास को करने के लिए आपको कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक समय की आवश्यकता नहीं है, कभी भी किसी भी वक्त इस अभ्यास को किया जा सकता है। इस मेडिटेशन प्रैक्टिस को करने से पहले आप 1 गिलास ठंडा पानी पी लें, इससे आपको मदद मिलेगी। उसके बाद अभ्यास शुरू करते हैं। इस ध्यान को करने के लिए सर्वप्रथम आप किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में जिसमें आप कंफर्टेबल हों उस स्थिति में बैठ जाएं। कमर को और गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें। कमर गर्दन सीधे होने के बाद में सहज रूप से अपनी आँखों को बंद कर लें। आँखों के ऊपर स्पेशली कोई तनाव नहीं रहना चाहिए। चेहरे को एक बार ऑब्जर्व करें, चेहरे के ऊपर कोई तनाव या स्ट्रेस नहीं हो, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स, और इसी प्रकार से आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को आर्म्स पिट में रख लेंगे, दाहिना हाथ बाएं आर्म्स पिट में, बायां हाथ दाहिने आर्म्स पिट में, और दोनों हाथों के माध्यम से, हथेलियों के माध्यम से आर्म्स पिट की जो वार्मनेस है, गर्मी है, उसको महसूस करेंगे। उसके बाद अपने दोनों कंधों को थोड़ा ऊपर अपलिफ्ट करते हुए ईयर लोब्स के पास लेके जाएंगे, और कंधों को उठाते हुए अपने गर्दन में और नेक के अंदर कोई विशेष स्ट्रेन नहीं लेके आना है, तनाव नहीं लेके आना है, बिल्कुल सहजता के साथ जितना उठा सकें उतना उठाएं। उसके बाद अपनी गर्दन को लॉक लगा देंगे, जिसे नेक लॉक या जालंधर बंद बोला जाता है। श्वास सहज अवस्था में चलती रहेगी, ब्रीद बिल्कुल धीमी गति के साथ में चलती रहेगी। जैसे जैसे इस अभ्यास में आप रुके रहेंगे, आपकी श्वास ऑटोमेटिकली ही स्लो डाउन होने लगेगी, और इसी प्रकार से इस स्थिति में आपको कंटिन्यू 3 मिनट से लेके और 11 मिनट तक रुके रहना है। इसका विशेष लाभ आपके शरीर को मिलेगा। दोस्तों, ये बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। जब इस प्रकार से ध्यान की स्थिति में आप रुकेंगे, अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे, तो आप श्वास अपने आप ही स्लो डाउन होने लगेगी, और 4 श्वास 1 मिनट की गति तक आप श्वास को ले आओगे, और जब श्वास इस गति के साथ चलेगी तो मनोविचार अपने आप कंट्रोल होने लगेंगे, बॉडी अंदर से रिलैक्सेशन एक्टिवेट कर देगी, माइंड संतुलित होगा, अंदर हृदय में करुणा का भाव पैदा होगा, मन शांत रहेगा और नर्व्स रिलैक्स होंगे, तनाव और अवसाद कम होगा और मनोशांति बढ़ेगी। तो ये बहुत इफेक्टिव अभ्यास है, ज़रूर से इसको ट्राई करके देखें। प्रारंभिक अभ्यासी होंगे उनके लिए श्वास को स्लो डाउन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से जब बॉडी को आप होल्ड करते हो तो श्वास अपने आप ही स्लो डाउन होने लगती है। ये अभ्यास खुद ही आपको मोटिवेट करता है। इस अभ्यास की स्थिति में आप अपनी श्वास के ऊपर ध्यान को केंद्रित करने का भी कोशिश करें, जिससे आपकी एकाग्रता और अधिक सधेगी। तो आज के इस ध्यान के वीडियो में इतना ही था। वीडियो को ट्राई करके देखें, इस अभ्यास को ज़रूर से, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर से अन्य लोगों के साथ में भी साझा करें जिनके अंदर बहुत अधिक भावनात्मक उद्वेग उठता है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नित्य प्रति ऐसे ही हेल्थप्रद और नॉलेजबल वीडियोज़ हम लाते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस विषय में देखना चाहेंगे हमारे साथ में ज़रूर साझा करें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।